गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. चलो, आई एम ऑडिबल टू यू गाइस? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों के पास में? रेज योर थंब इफ इट इज यस. ओके, सो एंड ऑफ दिस, ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिस यूनिट वी आर गोइंग टू, ये पूरा यूनिट हो गया हमारा ऑलमोस्ट. लास्ट वाला पोर्शन बाकी था, पता नहीं कल कितने लोगों ने अटेंड किया. बाकी के लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, चले गए थे लास्ट में, कुछ ही बच्चे बच्चे थे. Why so? So हमने last वाला बचा है, that is going to be a permanent method of like birth control method. So permanent method में हम जा रहे like so जब वासा डिफरेंस जो रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जब उसको हम कट करते हैं और टाई अप करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज वैसेक्टमी. सो परमानेंट बर्थ कंट्रोल जब मेल करते हैं, दैट इज नोन एज वैसेक्टमी. ठीक है, एंड वुमन में आप देख रहे हो बच्चों, ये फैलोपियन ट्यूब है और इस फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से काट के फिर उसको टाई अप किया जाता है. सो वी कॉल इट एज ट्यूबेक्टोमी. इसे आप क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी. सो हमेशा ध्यान में रखना, मेल परमानेंट मेथड जो है, मेल में जो होता है बर्थ कंट्रोल का, दैट इज गोइंग टू बी अ वैसेक्टोमी. और फीमेल में जो होता है उसे हम कहते हैं बच्चों ट्यूबेक्टोमी. अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज टाइड एंड कट सिंपली, एंड इससे क्या होता है, गमिट्स का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. अभी हम बात करेंगे बच्चों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी होता है, दैट इज नोन एज एमटीपी. और मैंने ये भी बताया था कि एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्यों किया जाता है? जब एबनॉर्मल बेबीज हो या समटाइम्स द बेबी बॉर्न होता है विद जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, सो उस समय. सो एन इंटरनेशनल सॉरी इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एज एमटीपी, और इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं. मैंने आपको ये भी बताया था, नेचुरली भी अबॉर्ट हो सकता है बेबी. सो देर आर वेरियस थिंग्स. सो सबसे पहला रीजन जो मैंने बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी होती है विद इन अ 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो अपने आप से ही अबॉर्शन हो सकता है नेचुरली. एमटीपी इज एसेंशियल इन केसेस ऑफ अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी और इन अ डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द फीटस. इट इज सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीनों में पॉसिबल है, उसके बाद में नहीं. उसके बाद में द डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अ फीटस इज एग्जामिन्ड बाय अमीनोसेंटेसिस, जो मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था. ठीक है, सो अमीनोसेंटेसिस की प्रोसेस आप देख सकते हो बच्चों. अमीनोसेंटेसिस में ये सिरिंज इनकॉर्पोरेट किया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड में, फ्लूइड निकाला जाता है. सो उसके बाद में नीडल से इंसर्ट किया गया है, यू कैन चेक इट आउट, एब्डोमिनल एंड यूटेराइन वॉल में. फिर एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग फीटल सेल, इसमें फीटल की सेल्स होती है. फिर उस सेल्स को हम लेते हैं, फिर उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं. और ये पैलेट है, हमेशा ऊपर में सुपरनेटिन रहता है और बॉटम साइड में ये पैलेट है. इस पैलेट को निकाल के उसमें से सेल्स को आइडेंटिफाई करके इसका मैपिंग किया जाता है, लाइक क्रोमोसोम्स को देखा जाता है. दैट प्रोसेस इज नोन, दैट इज नोन एज कैरियोटाइपिंग. सो ये देखो, हमारे बॉडी में टोटल 23 पेयर्स होती है, और 23 पेयर्स सभी के सभी आइडेंटिकल होते हैं, सिर्फ लास्ट वाला पेयर जो है XY, उसमें X क्रोमोसोम हमेशा लॉन्गर साइज का रहता है, Y क्रोमोसोम स्मॉलर साइज का रहता है, और हमेशा ऐसे 1-2, 1-2, 2-2 के पेयर में रहते हैं. ठीक है ना, 2-2. सो कभी कभी इंस्टेड ऑफ 2-3 हो सकते हैं, या कभी कभी 2 कंप्लीट ना होके 1.5 हो सकता है, या कोई एक डिलीट हो सकता है, लाइक दैट थिंग्स हैपन, जिससे फिर एबनॉर्मलिटीज आती है बच्चों. ठीक है ना, सो अमीनो सेंटेंसेस डॉक्टर रिकमेंड करते हैं. मैंने कल भी समझाया था बच्चों कि क्यों रिकमेंड करते हैं, कि शुरुआत में ही पता चल जाता है, सोनोग्राफी जब की जाती है तो क्या पता चल जाता है कि नेसल बोन की डेवलपमेंट प्रॉपर हुई है या नहीं, या बॉडी की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती है, तो ऐसे में पता चल जाता है. सो अभी हमारे इंडिया में पहले तो रूल्स नहीं थे एमटीपी के लिए, लाइक बहुत से लोग लाइक बिफोर मैरिज जो बहुत से लोग फीमेल कंसीव कर लेती थी बिकॉज ऑफ द अनसेट सेक्स. सो बिकॉज ऑफ दैट भी बहुत ज्यादा मिसकैरेजेस किए जाते थे. That is a one thing जहाँ पे बहुत ज्यादा मिसकैरेजेस होते. दूसरी बात ये थी कि
बहुत से लाइक लोगों को फीमेल चाइल्ड नहीं लगता था, सो उसके लिए भी मिसकैरेजेस होते थे, मतलब आर्टिफिशियली किए जाते थे, एमटीपीज की जाती थी. तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था भी था कि जलगांव में 14,000 फीमेल फीटस मिले थे, बच्चों लेटरिन में डम किए थे अनऑफिशियली इन 40,000 फीमेल 40,000 केसेस. एक डॉक्टर ने अपने जीवन काल में इतने फीमेल्स का अबॉर्ट किया गया था. अभी इश्यू ये है कि इंडिया में इसके रूल बहुत सख्त हो गए, बिकॉज बीच में ऐसा हुआ था कि गर्ल्स वेयर वेरी लेस एंड मेल बहुत ज्यादा थे, तो जेंडर की इक्वालिटी होना जरूरी है नंबर्स में और इन अदर रिस्पेक्ट ऑल्सो. अमीनो सेंटेंसेस क्या है बच्चों? इट इज अ प्रोसेस इन विच एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग अ फीटल सेल इज कलेक्टेड using a hollow needle inserted into the uterus under ultrasound guidance. The chromosomes are studied to see the abnormalities in the developing fetus. But the dangerous trend is the misuse. हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो किया गया था वो मिसयूज हुआ था. जनरली बेबी में कोई क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज है क्या, इसके लिए करना चाहिए था बच्चों, बट इंडिया में ऐसा हो गया था कि अभी किसी को करना भी है, देखना भी चाहता है तो भी वो अमीनोसिंथेसिस नहीं कर पाता, बिकॉज इसके लिए लीगल परमिशन चाहिए. इफ यू गो अब्रॉड वहां पे आपको पहले से बता देते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है गर्ल, वहां पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है लोगों को. टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड फ्रीक्वेंटली इफ द फिटस इज फाउंड टू बी अ फीमेल, जैसे ही पता चल जाता था लोगों को कि जो फीटस जो है वो फीमेल है, सो उसको अबॉर्ट किया जाता था. इट इज अबॉर्टेड विच इज टोटली इलीगल. So the government of India has legalized MTP Act आ गया है और 1971 में, ठीक है, with a strict condition to avoid the its misuse. Nagpur के भी the famous doctors, isn't it, the very very famous radiology sonography जो करने वाले doctors थे, मतलब it was I think around 10 to 15 years की पहले की बात होगी बच्चों, तो 10 to 15 years पहले it was very common. हर जगह पे ये रूल ही नहीं था, ये 1971 में आया था बच्चों, बट इसको कोई यूज नहीं करता था. हर डॉक्टर्स जो थे वो लाइक अपने आप से एमटीपी करते थे. और हाँ, सोनोग्राफी जो करते हैं डॉक्टर्स, उनको भी ये सख्त रूल है कि उन्होंने जेंडर को पता करने वाली जो सोनोग्राफी रहती है, जिस पर पता चलता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, ओके, सो उसके बारे में बात करना मना है. सोनोग्राफी जो डॉक्टर्स करते हैं उसके लिए थोड़ा अलग से सोनोग्राफी करना पड़ता है. तो एवरी मंथ जो भी रेडियोलॉजिस्ट रहते हैं, जो भी सोनोग्राफी करते हैं डॉक्टर्स, उनकी मशीन का चेकअप होता है. तो 10 बिफोर 10 ईयर्स मैक्सिमम डॉक्टर्स नागपुर के एंड ऑल ओवर द महाराष्ट्र में ये रूल इतना ज्यादा, मैंने जो बताया था कि इट वॉज द इशू एट द 40 का जलगांव में, जहाँ पे 40,000 लाइक फिटर्स मिले थे, उसके बाद में स्ट्रिक्ट हो गया. और फिर डॉक्टर्स लोगों को इस ये बिकॉज एक्ट तो 1971 में ही आ गया था, फिर भी लोग डॉक्टर्स लोग ये करते थे, जेंडर बताते हैं, फिर एमटीपी करते, तो ये इन लोगों का पूरा जो टीम वर्क रहता था उसको कम करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट. तो मैक्सिमम डॉक्टर्स प्रिज्म चले गए थे, जेल में चले गए थे, और बहुत ज्यादा जुर्माना भी था उन लोगों को, ठीक है. सो नाउ लेट्स गो अहेड. सो हम पढ़ेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अभी कुछ गिनेचुरे डॉक्टर्स को ही दी जाती है लीगली, वहीं पे एमटीपी की जाती है, और एमटीपी जहाँ पे भी किया जाता है वहां पे इलीगल करना बहुत ही हार्मफुल है, बिकॉज इलीगल कहीं एमटीपी करते भी है और आप पकड़े भी जाते हो. सो इन दैट केस द इशू इज दोनों को, डॉक्टर और जो कपल उनके पास में जाएगा उन लोगों को सजा हो सकती है. सो एक्ट 2017, और एक नया एक्ट आया है अंडर सेक्शन 3 एमटीपी एक्ट 1971 वाज इनएक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द इंटेंशन ऑफ एमटीपी एक्ट इज टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन, ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी, बिकॉज फीमेल की मोर्टेलिटी बहुत बढ़ गई थी. एज पर एज द प्रोविजन ऑफ द एमटीपी एक्ट
only the consent of the woman whose pregnancy is being terminated is required. सिर्फ फीमेल बेबीज बॉर्न होते इसलिए उनकी प्रेगनेंसी उनको माँ बनने का अधिकार नहीं दिया जाता था. सो इट वॉज वेरी इमोशनल एंड फिजिकल टॉर्चर फॉर द सो मेनी फीमेल अराउंड इंडिया. इट इज बीन डन एट प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड विद इन हाँ सो प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी करना है सो इट इज पॉसिबल इन बिटवीन 12 weeks. More than 12 weeks, 20 weeks से पहले उससे ज्यादा होता है तो इट कैन नॉट बी डन. ठीक है ना, बिकॉज द बॉडी ऑर्गन्स आर एब्सोल्युटली फॉर्मिंग दैट केस. ठीक है ना, सो दैट इज ऑल अबाउट द एमटीपी. क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट. अभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. सो कौन से डिसीजेस है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं और लोग डॉक्टर के पास में भी नहीं जाते हैं. दे सफर ऑफ दीज मेनी टाइम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो रहते हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं. मतलब जैसे कि पहला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है एड्स, जो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में पढ़ चुके हैं. So guys, diseases or infections which are transmitted through sexual intercourse are collectively called as sexually transmitted diseases. या इसे हम कहते हैं venereal disease VD और हम उसे कहते हैं reproductive tract infection RTI. UTI भी एक टाइप होता है. UTI का मतलब होता है urinary tract infection. जो STD नहीं है दैट इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है. इट कैन बी हैपन इन मेल, इट कैन बी हैपन इन फीमेल एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द व्हेन द pH इज चेंजेस. रिप्रोडक्टिव ट्रैक का pH जब चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, इफ यू गाइज आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, सो इन दैट केस द UTI. UTI मतलब पहले से ही वहां पे बैक्टीरियाज रहते हैं एंड जब pH चेंज हो जाता है तो बैड बैक्टीरियाज ग्रोज and that starts the problem of UTI. The major venereal disease, सबसे जो घातक जिसे कह सकते हैं या जो dangerous होते हैं वो है syphilis and gonorrhea. Because AIDS भी है, AIDS हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो the another two one are the syphilis and gonorrhea. अभी syphilis and gonorrhea को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं. सिफिलिस ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है. मैंने पहले भी कहा है दुनिया में लोग बिल्कुल अभी भी अनअवेयर अबाउट दिस डिसीजेस एंड दे डोंट गो टू द डॉक्टर्स फॉर सच अ काइंड ऑफ डिसीजेस एंड इट स्प्रेड टू देयर फैमिलीज एंड देयर हेल्थ इज ऑल्सो स्लोली स्लोली डिटोरिएट हो जाती है. यू शुड गो टू द डॉक्टर हुएवर इज अ सफरर ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ट्रैक. मेनी पीपल हैव द टैबू. टैबू का मतलब है हिचकिचाहट रहती है. द पीपल डोंट गो टू द डॉक्टर टू शो द इन्फेक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक. बिकॉज वाई नॉट टू गो, बिकॉज रिप्रोडक्टिव ट्रैक इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स योर ऑर्गन. Isn't it? And your body is dependent upon that. So why should not go to the doctor? You should go to doctor and you have to understand about that. So it is not something that you are doing a very seen or something like that. Koi aapke liye ye buri cheez nahi hai. You have to go to doctor. You have, aapko haq banta hai. You have to understand it. Okay, now go ahead. Sexually transmitted diseases mein pehla jo aata hai wo hai syphilis. और दूसरा जो आता है वो है गोनोरिया. सो सिफिलिस जो डिसीज होता है वो होता है, उसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रिपोनिमा पैलिडम. ये बैक्टीरिया है बच्चों. और ट्रिपोनिमा पैलिडम का जब इन्फेक्शन होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, इसको इनक्यूबेशन पीरियड मतलब इसके सिम्टम दिखने के लिए कितना समय लगता है. सो इसके एक्चुअली सिम्टम्स दिखते हैं 3 to 4 weeks के बाद में, शुरुआत में नहीं दिखते. और इन्फेक्शन होता है. सो व्हाट इज द इन्फेक्शन? सो बच्चों म्यूकस मेम्ब्रेन इन अ जेनिटल ट्रैक, रेक्टल ट्रैक, ओरल रीजन. सो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन होता है. सिम्टम क्या होता है इसके? प्राइमरी लेशंस, बॉइल्स आते हैं. इस बॉइल्स को मतलब जलने के बाद में जैसे इन्फेक्शन जैसा बॉइल आता है, तो इस बॉइल को हम बॉइल ना करते हैं, इसे हम कहते हैं कैंकर. So, यहाँ पे कैंकर्स आते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शंस. एट द साइट ऑफ इन्फेक्शंस कैंकर्स आते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक एरियाज में या सुपरफिशियल या इंटरनल साइट में भी. सो कैंकर्स आते हैं, कैंकर्स फॉर्म ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इन केस ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. स्किन रैशेस, माइल्ड फीवर,
इंफ्लामेशन होता है, लॉस ऑफ हेयर होता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, डिजेनरेटिव चेंजेस अकर्स इन द हार्ट एंड ब्रेन बिकॉज बहुत से लोग मैंने जैसे बताया दे हैव द टैबू दे डोंट गो टू द डॉक्टर्स यू नो इंस्टेड ऑफ दे वांटेड टू गो टू द पीपल यू नो जो बता रहे कि हमारे पास में ये मेडिसिन है हम इसे ठीक कर देंगे हमारे पास में ये जड़ी बूटी है यू नो जड़ी बूटी ही लेना है तो यू शुड गो द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यू नो जो पढ़ के आया है यू शुड नॉट गो टू द पर्सन जिस जो जो आई हैव सीन इन एंड अराउंड द मेनी पीपल पर्सन कौन होता है पर्सन होता है एक कोई भी जैसे कि टिकट कलेक्टर हो और वो इवनिंग में बैठ के दवाइयां बेचता है तो एक टिकट कलेक्टर जो है उसको हाँ हो सकती है जानकारी हो सकती है उसको नई नई मेडिसिन के बारे में पता हो सकता है बट क्या वो जानकारी कंप्लीट होगी क्या जो वो मेडिसिन दे रहा है वो फुल प्रूफ होगा उसको उतनी जानकारी होगी जितनी कि एक डॉक्टर ने पूरे 5 साल अपने मेडिसिन में लगा दिए नहीं ना सो व्हाट एवर द डिजीज कुड बी यू शुड बी गो टू द डॉक्टर सो स्किन में रैशेस आएगी माइल्ड फेवर और ये शुरुआती दिनों में क्योरेबल है सो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स हो रहे हैं लॉस ऑफ हेयर पैरालिसिस है डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं हार्ट और ब्रेन में ठीक है इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है ऑब्वियसली education about the sex practices the hygiene practices are very important avoiding the sex with the unknown partner or multi partners using a condom during the coitus during the intercourse these are the like the preventive measures theek hai and treatment kya hai iske liye ek hi antibiotic di jati hai generally penicillin penicillin ye antibiotic hum generally nahi lete hain bachcho बिकॉज इससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है इसके रिएक्शन होती है बट सिफिलिस में हम पेनिसिलिन ही ज्यादा रिकमेंड करते हैं ठीक है सो इसे आपको लर्न करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट वन है बच्चों गनोरिया सो गनोरिया होता है बच्चों इसके पॉजिटिव एजेंट के नाम 1-1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं ना तो अच्छे से लर्न करके रखना है सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है तो ट्रिपोनिमा पैलिडम गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है तो निसेरिया गनोरी निसेरिया गनोरी क्या है तो बैक्टेरिया है निसेरिया गनोरी क्या है बच्चों बैक्टेरिया ये भी बैक्टेरिया मेल में 2 to 14 days का रहता है बच्चों इंक्यूबेशन पीरियड फीमेल में 7 से 21 दिनों के बाद में इसके सिम्टम्स दिख सकते हैं फिर से म्यूकस मेम्ब्रेन यूनोजेनाइटेड ट्रैक में रेक्टम में थ्रोट में और आईज में भी इसका इन्फेक्शन होता है मतलब जेनाइटल ट्रैक से निकलते हुए ये रेक्टम थ्रोट और आईज तक के इन्फेक्शन फैल सकता है इन अ मेल पार्शियल ब्लॉकेजेस ऑफ यूरेथ्रा सो ऑब्वियसली मिक्चुरेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम हो गई बिकॉज मेल में यूरोजेनाइटल ट्रैक इज द सेम फीमेल में इट इज द डिफरेंट बट यहाँ पे मेल्स में यूरोजेनाइटल ट्रैक इज द वन सो यूरेथ्रा में ब्लॉकेजेस होंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी ब्लॉक हो जाएगा पस फ्रॉम द पेनिस पेन एंड बर्निंग सेंसेशन हो सकता है ड्यूरिंग द यूरिनेशन और बच्चों आर्थराइटिस भी हो सकता है जॉइंट पेन हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा इन फीमेल पेल्विस का इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है सीवियर इन्फेक्शन है तो फीवर आ सकता है स्वेलिंग आ सकता है और हाँ वेरी डेंजरस थिंग अबाउट दिस इज इसे स्टरिलिटी आ सकती है स्टरिलिटी मतलब द फीमेल कुड नॉट कंसीव द बेबी आर्थराइटिस फिर से कॉमन है जॉइंट पेन्स पड़ेगा द चिल्ड्रेन बॉर्न टू अफेक्टेड मदर जिसको गनोरिया हुआ है और उसको बेबी बॉर्न होता है जिसको पहले से गनोरिया हुआ है अफेक्टेड है तो उसको गोनोकोकल ऑप्टेलमिया या गोनोकोकल वल्वो वजाइनिटिस ऑफ अ गर्ल बिफोर प्यूबर्टी इस तरह से इश्यूज हो सकते हैं मतलब बेबी बॉर्न विद अ स्टरिलिटी बेबी डॉटर जो है वो स्टराइल बॉर्न हो सकती है या आईज की डेवलपमेंट नहीं होगी प्रॉपरली ठीक है ना बच्चों सो दीज आर द थिंग कैन बी हैपन प्रिवेंटिव मेजर सेम है बच्चों गनोरिया में भी कि सेक्स हाइजीन जरूरी है कॉन्डम का यूज करना ड्यूरिंग द इंटरकोर्स कोइटस जिसे करते हैं वो जरूरी है सेम थिंग अवॉइड द मल्टीपल पार्टनर्स या
अनसेफ सेक्स इज ऑलवेज बैड. सो एंटीबायोटिक कौन सा लेना चाहिए? सो सिफिक्सिन दिया जाता है. कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है बच्चों? सिफिक्सिन. सो एग्जाम के लिए आपको नाम ध्यान में रखना है कि लाइक कॉजिटिव एजेंट ट्रिपोनिमा पैलिडम, इधर निसेरिया गनोरी, और ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक कौन सा दिया जाता है? पेनिसिलिन एंड सिफिक्सिन. ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं. क्लियर गाइस? Raise your thumb if it is clear. Raise your thumb if it is clear, guys. Thumb raise करो. यहाँ तक ये समझ में है? Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Now मैं in vitro fertilization पढ़ाने जा रही हूँ. मैंने बताया कि दिन पे दिन infertility treatment is the boon. ये बहुत अच्छी चीज है दुनिया भर के couples के लिए. बट इनफर्टिलिटी इश्यूज रहना यही अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है. बट देखो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, पर मैंने आपको ये भी बताया कि इनफर्टिलिटी इश्यू अकॉर्डिंग टू द सर्वे नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनफर्टिलिटी इश्यूज बढ़ रहे. इनफर्टिलिटी इश्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ रहे, मेल में एज वेल एज फीमेल्स में इनफर्टाइलनेस बढ़ रहे. तो मैंने थोड़ा सा उस दिन आपको बताया था, आज फिर से मैं दोहराने जा रही हूँ. इनफर्टिलिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे. इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द इनअबिलिटी टू कंसीव अ नेचुरल आफ्टर वन ईयर ऑफ द रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स आफ्टर द मैरिज. इफ यू आर नॉट यूजिंग द प्रोटेक्शन सो यू शुड हैव द बेबी. The female can be a female can conceive the baby, right? Aisa nahi ho raha hai. The female is unable to conceive the baby. So something is issue. So बहुत सी बार जब भी ऐसे issues आते हैं, पहले देखा जाता है कि whether there is a blockages in a fallopian tube. बहुत ज्यादा females जो रहती है उनके fallopian tube में blockages हो सकती है, naturally हो सकती है, तो उसको clear किया जा सकता है. Sonography से fallopian tube के blockages को clear किया जाता है and female can easily conceive the baby. That is one thing. Sometimes what happens, everything is good with the female, but the sperm count for the male, it is always a less. Number of sperm, you all know that. स्पर्म का काउंट जो रहता है एट ए टाइम यू नो मिलियंस ऑफ द स्पर्म एंटर इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, बट आउट ऑफ दैट ओनली 100 दैट रीचेस टू द एग. सो इट इज वेरी हार्ड फॉर द स्पर्म टू रीच अप टू द एग. सो मीनवाइल आप देखो पीएच एंड ऑल सो मेनी फैक्टर्स रहते हैं. सो इन दैट केस पहले से स्पर्म का काउंट कम रहेगा मेल में, नंबर ऑफ स्पर्म्स कम रहेंगे, तो फीमेल के लिए चांसेस ऑफ कंसीविंग द बेबी हमेशा लेस हो जाते हैं. तो मैं बता रही हूँ. सो द कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी कुड बी, एक तो फिजिकल हो सकता है कंजेनिटल कंजेनिटल डिसीजेस हो सकते हैं. बहुत से लोगों को डिसीजेस रहते हैं अलग अलग, इम्यूनोलॉजिकल इवन फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी. सो मैंने जो फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेजेस कही, मेल में स्पर्म का काउंट कम कहा, सो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, इसको आप रिपेयर कर सकते हैं. द कॉमन फिजिकल कॉज इन अ फीमेल आर, मैंने उसी दिन इसके बारे में बात की थी, बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस भी किया था, वो है पीसीओडी, विच इज वेरी वेरी कॉमन. मतलब I would say that around 60% of the female, they are a sufferer of this. Even the teenager girls are suffering from the polycystic ovarian syndrome. So polycystic ovarian syndrome, जिसे मैंने कहा भी था कि periods normal नहीं आते हैं, जब periods normal मतलब regular every month नहीं आते हैं, और ovulation नहीं होता है, जब ovulation नहीं होता है ये follicles उसी जगह पे grown up होके उसके cyst बन जाते हैं, और जब ऐसा होता है females के hormones disturb हो जाते हैं. कौन disturb हो जाता है? Females का hormone. जब females के hormones disturb हो जाएंगे तो periods normal नहीं आएंगे, और जब periods normal नहीं आते हैं तो endometrium ठीक होते जाता है, और after 2 months या 3 months when the periods come, when the menses come, that creates a lot of pain, that becomes a very painful for the female. So इससे when the female with the PCOD now grown up got married, so फिर ऐसे में she has the problem of infertility.
यू नो बिकॉज मंथली मेंसेस उनके क्लियर नहीं रहते. सो ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऑब्वियसली पीसीओडी रिपेयरेबल है, डरने वाली बात नहीं है. हैविंग अ गुड डाइट, लेस मेंटल स्ट्रेस. मेंटल स्ट्रेस इज वेरी डेंजरस फॉर द फीमेल आइडियली, इजंट इट? फिजिकल स्ट्रेस इज गुड. Physical stress is always good for the female. वो कितनी भी exercise कर सकती है, that is very good for her. But mental stress is very dangerous for the female. Obviously, it is dangerous for the male. But when the mental stress comes to the female, उनके hormones change हो जाते हैं, and जब उनके hormones change हो जाते हैं, उनका mood swing हो जाता है, उनकी body affect होती है, and menstrual cycles भी disturb हो जाते हैं. Anyways. So, PCOD जब भी होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, नॉर्मल हार्मोन सिक्रेट नहीं होते. फॉर द गुड पर्सनालिटी ऑफ द फीमेल एज वेल एज द मेल, द गुड हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड आउट. और आपको पता है, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया है, स्ट्रेस में जो हमारे बैड हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो मंथली साइकिल जो है फीमेल का एब्सोल्युटली डिस्टर्ब कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट, एंडोमेट्रियोसिस व्हाइल इन अ मेल, it is less sperm count, जो मैंने पहले ही बताया था, and small size of the penis, but both the things can be repairable, ठीक है, by taking a good treatments. Now next, again I said ना, for this reasons also people never go to the doctor, you know, most of the time the male also, for the small size of the penis and for the less sperm count and for females also, they never go to the doctor, not they never go show to the doctor and they just take some outside, medications को try करते हैं, and yes, that becomes a really इसका adverse effect हो सकता है आपके life के ऊपर. आगे ये जरूरी है बच्चों, आपको इस stage पे ये जानना जरूरी है. Prior to 1978, infertile couple had two options, adopt और टू बी चाइल्डलेस. दो ही ऑप्शंस थे, जो लोग बेबी बॉर्न नहीं कर पाते थे कपल्स, दो ही ऑप्शंस थे, एक तो अडॉप्ट कर लो नहीं तो चाइल्डलेस रहो. बट हाँ, अभी दे हैव लाइक अ होप से. टुडे इनफर्टाइल कपल्स हैव मेनी ऑप्शंस टू हैव अ चाइल्ड, सच एज फर्टिलिटी ड्रग्स है बच्चों हमारे पास में, वेरी गुड ट्रीटमेंट होती है. वी हैव अ टेस्ट ट्यूब बेबीज की है, कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन एक टाइप है, वो कर सकते हैं. IUI कर सकते हैं, सरोगेट मदरहुड, मतलब हम किसी और का, किसी फीमेल में यूटेरस बाय डिफॉल्ट वर्क नहीं कर रहा है या सम इश्यूज है, तो किसी और का यूटेरस में हम हमारा जायगोट ऐड कर सकते हैं. सो सरोगेसी जनरली आप देख सकते हैं, हाई प्रोफाइल बॉलीवुड में हर जगह पे सरोगेट बेबी का ट्रेंड है, सरोगेट बेबी का ट्रेंड है. जैसे शिल्पा शेट्टी वेरी रिसेंटली, उसको एक डॉटर हुआ सरोगेसी से. शाहरुख खान का थर्ड बेबी आई थिंक इट्स अ सरोगेसी से हुआ है, एंड सो मेनी अदर. चाइल्ड थ्रू सर्टन स्पेशल टेक्निक कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है हमारे पास में, जिसमें इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल हम बना सकते हैं. सो पहला जो हम देखेंगे इट इज IVF. आप इन एंड अराउंड घूमोगे तो आपको ऐसे सेंटर्स मिलेंगे, वी हैव IVF सेंट्रल. व्हाट इज दैट IVF? इट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सेम थिंग बच्चों, यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसा हो रहा है बच्चों, मेल में भी गमिट्स बन रहे हैं, मतलब स्पर्म है, बट फीमेल्स में भी एक बन रहा है प्रॉपर. बट यू नो नोबडी नोज द ह्यूमन फिजियोलॉजी बेटर, हर इंडिविजुअल की फिजियोलॉजी अलग होती है. सो बाय डिफॉल्ट पता ही नहीं चल रहा है कि उनमें जायगोट बन रहा है. ऐसे भी कुछ कपल होते हैं जिनमें जायगोट बनता है, एम्ब्रियो भी बन जाता है, बट 10 times, 15 times, did they take a chance? But 10 times I have seen, ऐसे भी couple रहते हैं जिनमें heart ही नहीं बनता है, जो baby बनता है, जो embryo development होती है, उनमें heart ही नहीं बनता है. उसका reason कोई नहीं बता सकता, because हर individual की physiology अलग है. So ऐसे में last में उनको बताया जाता है, now you go for IVF, because आप में male gametes है, female में फीमेल गमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है. सो ऐसे में क्या किया जाता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर एन एग इज कंबाइंड विद द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी. सो मेल से स्पर्म निकाला जाता है,
और फीमेल से एक निकाला जाता है, जैसे ओवुलेशन। सो ये डे वन, जैसे ही पीरियड्स उसके स्टार्ट होते हैं, वहां से डे वन से लेके आफ्टर 4-5 डेज से लेके उसको कंटिन्यूअसली सोनोग्राफी के लिए अंडर रखा जाता है, उसकी ओवुलेशन प्रोसेस को चेक किया जाता है। उसके बाद में जैसे ओवुलेशन होता है, फिर आर्टिफिशियली एग को निकाला जाता है बाहर, उसी तरह से स्पर्म को भी निकाला जाता है, फिर उसका आर्टिफिशियल फ्यूजन किया जाता है टेस्ट ट्यूब में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज टेस्ट ट्यूब बेबी, और बनता है जायगोट। और ये पूरी कंडीशन जो है इतनी इजी नहीं है, इसकी एक प्रोसीजर होती है। सो अभी ये जो जायगोट बना आउटसाइड द बॉडी, मतलब लेबोरेटरीज में, इसको इस जायगोट को अर्ली एम्ब्रियो मतलब 8 सेल स्टेज तक के जाने दिया जाता है। आपको पता है 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर, तो यहाँ तक के, और फिर इस 8 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर को मदर के बोम में इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। और इट कुड बी देन ट्रांसफर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, और फिर फैलोपियन ट्यूब से फिर यूटेरस में उसको अंडर डेवलपमेंट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सो दिस ट्रीटमेंट इज नोन एज IVF। क्लियर गाइस, समझा कि तुम लोगों को IVF? से यस नो रेज योर थंब। IVF समझ में आया? सो हमने स्पर्म और एग को बाहर निकाला, फ्यूज किया, और बच्चों 8 सेल स्टेज तक एम्ब्रियो बनने दिया, और फिर उसके बाद में इस एम्ब्रियो को मदर के फैलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया, ठीक है, दैट इज IVF। उसके बाद में आता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिसे हम कहते हैं ZIFT। What is this ZIFT? ZIFT is an infertility treatment used when there is a blockages in a fallopian tube. मैंने बताया था, बहुत सी बार फीमेल में ब्लॉकेजेस होते हैं, फैलोपियन ट्यूब पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक होती है तो एक ज्यादा समय तक के सर्वाइव नहीं होता, स्पर्म की एंट्री नहीं हो सकती है। सो ये भी फ्यूजन को मतलब फर्टिलाइजेशन अवॉइड करता है। इन दिस मेथड क्या किया जाता है, एक इज रिमूव्ड फ्रॉम द वुमन्स ओवरी, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग विद द स्पर्म इज ब्रॉट अबाउट आउटसाइड द बॉडी अंडर अ स्टराइल कंडीशन टू फॉर्म द जायगोट बाय द प्रोसेस ऑफ IVF, एंड देन जायगोट इज देन ट्रांसफर टू फैलोपियन ट्यूब फॉर द फर्रर। मतलब जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर जो है सेम है IVF की तरह, सिर्फ ये तभी किया जाता है जब जायगोट फैलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, ब्लॉकेजेस। क्लियर यहां तक के? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग है बच्चों, नेक्स्ट थिंग है, इट इज द बहुत सारे IVF सेंटर्स है महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग जो है जिसे हम कहते हैं बच्चों GIFT का मतलब होता है बच्चों गमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। GIFT का मतलब होता है गमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, ऐसे भी कुछ फीमेल होती है बच्चों जिनमें मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर सेकेंडरी ओसाइट मैच्योर एग ही नहीं बन पाता है, बट हाँ they can give a birth to the child, वो birth दे सकती है बच्चों child को, ठीक है। ऐसी भी female रहती है, they can give a birth to the child, but उनमें ovum नहीं मिलता है, so फिर वो किसी और से ovum को donate करते हैं या लेते हैं, ठीक है। और फिर donor से ovum लेने के बाद में वो female के जो mother बनना चाहती है उसके fallopian tube में उसको transfer किया जाता है, और फिर सेम प्रोसेस जैसे कि IVF करते हैं। दिस टेक्निक कॉल्ड एज अ गमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर टेक्निक, इट हैज बीन डेवलप्ड फॉर द केसेस इन विच ओनली द एंट्रेंस टू द ओविडक्ट और द अपर सेगमेंट ऑफ द ओविडक्ट इज ब्लॉक। जब कभी कभी इतना हाई ब्लॉकेजेस होते हैं बच्चों कि हम उसको रिमूव ही नहीं कर सकते, कभी कभी कुछ फीमेल में एक बन भी रहा होता है तो भी वो एम्पुला तक के पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि बीच का फैलोपियन ट्यूब का पोर्शन पूरा ब्लॉक होता है, और ऐसे कुछ हार्ड ब्लॉकेजेस होते हैं उसको निकालना इम्पॉसिबल होता है, उसको निकालना मतलब फैलोपियन ट्यूब को कट ही करना पड़ता है, विच इज वेरी डेंजरस। तो ऐसे में डोनर से एक जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में
In this procedure, ova and sperm are directly injected into the region of oviduct, where fertilization produces. So यहाँ पे sperm जो रहते हैं उसका sperm का artificial insemination किया जाता है. Artificial insemination का मतलब होता है बच्चों sperms जो रहते हैं, बहुत सारे मेल्स में ये भी इश्यूज रहता है बच्चों, स्पर्म का काउंट भी अच्छा रहता है, बट स्पर्म जो रहता है बच्चों वो बहुत से